बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हमारा टॉपिक है मवाखात, पेज 38। मवाखात चैप्टर निकालें आप। मैं आपको इसके कुछ पॉइंट बताऊंगी, ये आप अपने घर में पढ़ाई करेंगे और फिर इसमें से आंसर आप निकालेंगे। हमारे पा आपको पता है, जैसे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। इस सबक को पढ़ने का मकसद क्या है कि आपको सहाबाए किराम जो कि अंसार भी थे, महाजरीन भी थे, उनकी बेमिसाल कुर्बानियों के बारे में बताया जाए। आपको ये बताया जाए कि एक साथ मिलजुल कर रहने का जज्बा क्या होता है। आपको ये बताया जाए कि सिला रहमी असल में है क्या चीज। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तशहीर शुरू की तो कुफार आपके दुश्मन बन गए। मक्के के लोग जो आपको सादिक अमीन के नाम से पुकारते थे, वो ही आपकी जान के दुश्मन बन गए। और आपसे रिलेटेड जितने लोग थे जो मुसलमान हो गए थे, उनको तरह तरह की तकलीफें पहुंचाने लगे। तो अल्लाह के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुछ सहाबियों से कहा कि वो मक्के से मदीना तशरीफ ले जाएं। लिहाजा मुसलमान बेसरो सवानी के आलम में मदीने पहुंच गए और महाजिर कहलाए। मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों ने महाजिरीन की भरपूर मदद की। अल्लाह ताला ने अहले मदीना को अंसार का खिताब दिया। अंसार का मतलब है मेहमान नवाज। मवाखात, मवाखात अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है भाईचारा। लिहाजा जब सब मदीना शिफ्ट हो गए, मदीना आ गए महाजिरीन, तो हुआ क्या, उनके दरमियान महाजरीन में और अंसार में एक रिश्ता कायम हुआ। वो रिश्ता था मवाखाते मदीना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 45 महाजिरों को अंसार के साथ बुलाया और दो दो करके उनके हाथ मिलाए, उनसे मुसाफा करवाया और कहा, आज से तुम लोग एक दूसरे के भाई हो। अंसार ने महाजरीन को साथ ले जाकर घर में की एक एक चीज दे दी, हत्ता के उनकी जमीनें जो नखलिस्तान थे वो तक आधे आधे बांट दिए। कुरान मजीद में इस बात को ये इस तरह बयान किया गया, सूरह अनफाल की 72वीं आयत में, कि जो लोग ईमान लाए और हिजरत की और खुदा की राह में मालो जान से जिहाद किया, और वो लोग जिन्होंने इन लोगों को पनाह दी और इनकी मदद की, ये लोग बाहम बहन भाई भाई हैं। अब बच्चों, आपको मैं कुछ अंसार के इसार के वाकयात बताती हूँ। 4 हिजरी में जब बनू नुसैर जिला वतन हो गए, मदीना छोड़ गए, तो उनकी जमीनें जो थी वो अंसार के हिस्से में आई थी। ये मैं आपको बताया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को बुलाकर कहा कि महाजिरीन नादार हैं, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो अपनी जमीन, ये जो जमीन है जो तुम्हें बनू नुसैर की तरफ से मिली है, वो तुम महाजिरीन को दे दो। अंसार ने अपनी जमीनें महाजिरीन को दे दी गिफ्ट के तौर पे, और जब फतह खैबर हुआ तो महाजिरीन ने वो तमाम नखलिस्तान अंसार को वापस कर दिए। ये दुनिया अंसार के इस हिसार को हमेशा याद रखेगी। महाजरीन भी पीछे नहीं थे इस चीज में, उन्होंने अंसार की भरपूर मदद की। अंसार ने महाजरीन की मेहमानी और हमदर्दी का जो हक अदा किया, दुनिया में उसकी नजीर नहीं मिलती। एक दफा एक पाकजदा शख्स नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि मैं सख्त भूखा हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में दरियाफ्त फरमाया, कुछ खाने को है क्या? जवाब आया, सिर्फ पानी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजरीन में से मुखातिब होकर कहा, कोई है जो आज इनको अपना मेहमान बनाएगा? हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं हाजिर हूं। गर्ज मेहमान को घर ले गए। जब घर पहुंचे तो बीवी ने कहा, खाना सिर्फ बच्चों के लिए है। उन्होंने बीवी से कहा, चिराग बुझाओ और वही खाना जो बच्चों के लिए है मेहमानों के सामने रख दो। वो तीनों साथ खाना खाने लगे और इस तरह हाथ और मुंह चलाते रहे गोया कुछ खा रहे हों। मियां बीवी भूखे बैठे रहे। तब ये आयत उतरी, सूरह हशर की आयत नंबर 9। जो कोई उनके पास हिजरत करके आता है, ये उससे मोहब्बत करते हैं, और जो कोई इन महाजरीन को दिया जाता है,
ये अपने सीनों में उसकी कोई ख्वाहिश भी महसूस नहीं करते और उनको अपने आप पर तरजीह देते हैं, चाहे उन पर तंगदस्ती की हालत गुजर रही हो। प्यारे बच्चों, इस सबक से हमें ये समझने को मिला है कि हम भी अपने भाई का ख्याल रखें, अपने पड़ोसी का ख्याल रखें, अपने मुसलमान भाई की जिस हद तक हम मुमकिन मदद कर सकते हैं उनकी करें। अगर कोई मुसलमान भाई तकलीफ में हो तो उसका मोहब्बत इशार अखुवत से उसका साथ दें। यही हमारी कुवत है, इज्जत है और सरबुलंदी का जरिया है। और नबी करीम के बनाए हुए मवाखात के रिश्ते को आइंदा आने वाली नस्लों तक जिंदा रख सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये सबक आपको समझ आया होगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। प्यारे बच्चों, सफा नंबर 41 पर देखें। सवाल नंबर 2, खाली जगह पूर करें। मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों ने महाजरीन की भरपूर मदद की। अल्लाह ताला ने इन लोगों को डैश का खिताब अता फरमाया, अंसार का खिताब अता फरमाया। मवाखात के मायने हैं भाईचारा। हजरत अनस के मकान में लोग जमा हुए। डैश का अजबाब तिजारत 7 ऊंटों पर लगकर आता था। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और उनको जो कुछ मिला उससे अपने दिल में कोई ख्वाहिश नहीं कर पाते और उनको अपनी जानों से मुकद्दम रखते हैं। डैश ने कुछ घी और पनीर खरीदा और शाम तक खरीदो फरोख की। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ। ठीक है बच्चों, ये ब्लैंक्स आपको फिल कर लेनी है। और फिर तीसरी है, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। मवाखात किस जबान का लफ्ज है? अरबी जबान का लफ्ज है। महाजरीन की तादाद कितनी थी? 45 थी। सफा 42 पर देखें। महाजरीन का पेशा क्या था? महाजरीन तिजारत करते थे। बनू नुसैर कब जुदा हुए थे, जिला वतन हुए थे? 4 हिजरी को। फाका ज्यादा शख्स को खाना किसने खिलाया था? हजरत अबू तलहा ने। नंबर 6 है, मुसलमानों ने किन के जुल्म से तंग आकर हिजरत की थी? कुफारे मक्का। प्यारे बच्चों, ये आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जजाकला, अल्लाह हाफिज।